1990 के दशक के प्रारंभ में राजनीति के अपराधीकरण और पेशेवर अपराधियों के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम केराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला है। यहां पर हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देश के अंदर ये समाचार काफी सुर्खियों में भी था। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई, बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। 2017 में जब मैं यहां आया था तब यहां के लोगों ने मांग की थी कि सुरक्षा की दृष्टि से यहां की चौकी के सुदृढ़ीकरण और यहां पर पीएसी एक बटालियन की स्थापना हो। चौकी के सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई पहले ही हो चुकी थी और यहां पर पीएसी के एक बटालियन की स्थापना की कार्रवाई के लिए आज मैं स्वयं यहां पर आया हूं और कुछ उन परिवारों के साथ भी मैंने संवाद किया है जो पिछली सरकारों के राजनीति के अपराधीकरण के शिकार हुए थे। उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं, उनमें एक विश्वास जगा है और हमारी सरकार ने इस बात के लिए यहां के हर एक परिवार को आश्वस्त किया है कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी वह हमारी रणनीति निरंतर आगे भी चलेगी और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं स्वयं इस कराना कस्बे में भी आया हूं। बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर एक विश्वास देखने को मिला है और ये विश्वास अवश्य रंग लाएगा क्योंकि अब किराना कस्बा आपराधिक गतिविधियों का नहीं बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यहां की जो मांग थी कि यहां पर अक्सर जाम होता है आज बाईपास बन रहा है, औद्योगिक इकाइयों का यहां पर पुनर्गठन के साथ साथ नई इकाइयां लग रही हैं, काफी बड़े पैमाने पर यहां की जो औद्योगिक प्राधिकरण है उसके माध्यम से विकास और निवेश की जो संभावनाएं यहां पर बनी है उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ है, व्यापार बढ़ना प्रारंभ हुआ है और हमें विश्वास है कि सरकार की 2017 में आने के बाद से जो नीति रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मंत्र रहा है सबका साथ सबके विकास का, तो हम विकास भी सबका करेंगे, शासन की योजनाओं का लाभ भी सबको देंगे बिना भेदभाव के देंगे, लेकिन बगैर तुष्टीकरण की नीति को अपनाए हुए अपराध और अपराधियों के प्रति कठोरतम कार्रवाई करने के अपने संकल्प के साथ ही आज हमारी सरकार और मैं स्वयं यहां पर आया हूं और मैं फिर इस कस्बे के सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे बेझिझक यहां पर अपने पूर्वजों की भूमि पर रहें, यहां की विरासत को संरक्षण करना और साथ साथ यहां के व्यापारिक और औद्योगिक माहौल को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी।
पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के समय जिन परिवारों को क्षति पहुंचाई गई थी, उनके परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या हुई थी। मैंने जिला प्रशासन से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। उसमें से बहुत सारे दोषी कार्रवाई उनकी हो चुकी है, सरकार उनको कुछ कंपनसेशन भी देगी, मुआवजा भी देगी, जिससे वे लोग फिर से यहाँ पर अपने व्यवसाय को और अपने अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकें और हर व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पर रह सकें। मैं इसीलिए आज खास तौर पर उन परिवारों से मिलने के लिए, और उन्हीं के साथ में हमने दोपहर का भोजन भी लिया है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी, यहाँ के माननीय सांसद जी भी, हमारे विधायक भी, प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा जी भी, ये सभी लोग, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भी, ये सभी लोग यहाँ मेरे साथ में इसी बात को लेकर के आए हैं। धन्यवाद जी। देखिए, अभी चुनाव नहीं है, चुनाव में कुछ समय है। दूसरा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पर पुलिस चौकी के सुदृढ़ीकरण की मांग थी, वो हम पहले ही कर चुके हैं। पीएसी की नई बटालियन के स्थापना के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा यह दायित्व तो बनता है कि हर पीड़ित व्यक्ति से मैं मिलूँ, और पीड़ित अगर हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं है, और मैं इसीलिए उन पीड़ितों से मिलने के लिए आया हूँ जिन्हें पिछली सरकार के समय में प्रताड़ित करके पेशेवर अपराधियों ने यहाँ से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। सरकार की, वर्तमान में हमारी सरकार की, जब 2017 में आने के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जब सरकार ने कार्रवाई शुरू की, वे सभी परिवार अपने को सुरक्षित महसूस किए वापस आए हैं, और आज उन सभी लोगों से ही मैंने यहाँ पर मुलाकात की है। तो मैं तो इसी बात को लेकर आया हूँ, प्लान भी एक मुद्दा है और बाकी बातों को करने के लिए मैंने मंच सजाया है बाहर, आप उसको कवर करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।